हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बनाना सीखेंगे 300 RPM मोटर से कार कैसे बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये कार है जो कि मैंने पहले से बना रखी है। अब इसको कैसे बनाना है वो मैं भी आपको बताऊँगा, फिर प्लीज पूरी वीडियो देखें तो ही कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। इसकी वायरिंग कैसे करनी है जी, सबसे पहले तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। वो 300 RPM मोटर, व्हील्स, मोटर क्लैंप, 12 वोल्ट बैटरी, वायर्स और DP/DT स्विच, डबल पोल डबल थ्रो वाला। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले हमें एक लकड़ी का फ्रेम लेना है, और ये हमें कुछ पेच चाहिए, स्क्रू। इसमें क्लैंप को टाइट करने के लिए हमें स्क्रू चाहिए होंगे। इन क्लैंप को टाइट कर लेते हैं, अच्छी तरह से कस लेते हैं इनको, सभी क्लैंपों को। हमने सारे क्लैंप टाइट कर लिया, चलिए इनको चेक कर लेते हैं कि 90 डिग्री पे है या नहीं है। ये 300 RPM की मोटर है, गियर मोटर, जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाती है। यदि अगर नहीं मिलती है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो अमेजन से इसको परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखना तो ही कुछ समझ में आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाता हूँ, आप इसे प्लीज पूरी देखिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अब हम इसमें व्हील टाइट करने सारे, ये हमारा चेचेस कंप्लीट हो गया इसका। अब हमें इसमें बैटरी लगानी है और इसके कनेक्शन करना है। ये हमें एक वाइट वाली चिट लेनी है जो कि स्टेनरी की शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। ये हमें इसमें नीचे लगा लेनी है ताकि हमारी बैटरी इधर उधर हिले ना। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगा लिया इसमें फेविक्विक की सहायता से। अब इस पर मैं जैसे इसको लगाऊंगा बैटरी एकदम इसमें सेट हो जाएगी और बैटरी कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं। ये देखिए बैटरी कहीं नहीं जाएगी, ना हिलेगी ना डुलेगी, बिल्कुल सेट हो गई है इस पर। हमें यहाँ पर 2 होल करने हैं ताकि मोटरों के वायर ऊपर निकाल सकें। ये हमने दोनों होल कर लिए। अब लेफ्ट साइड के दोनों मोटरों के वायर और राइट साइड के दोनों मोटरों के वायर, यानी कि 4-4 वायर हो गए कंप्लीट, 2 ब्लैक और 2 रेड राइट साइड में, और 2 ब्लैक और 2 रेड लेफ्ट साइड में। टोटल वायर हो जाएंगे 8, जिसमें से 4 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है। अब हमें इनको सेट करना है, बैटरी लगा लेते हैं, और ये बैटरी में हमें वायर लगानी है, ब्लैक वाला ब्लैक में और रेड वाला रेड में। ये लगा लिया हमने, और हमें DP/DT स्विच चाहिए 2। ये भी आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे मिल जाएंगे। यदि अगर नहीं मिलते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। ये DP/DT स्विच है, इसमें 6 पोल होते हैं, डायरेक्ट पोल डबल थ्रो। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसका सर्किट डायग्राम इसमें दे दिया है,
और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी सहायता से आप वायर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको अच्छी तरह कोशिश करूँगा पूरी कि वीडियो में आपको समझा पाऊँ वायर कनेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले ये एक रेड वाले में मैंने बैटरी का नेगेटिव जोड़ा है, और जो ये रेड वाला है इसमें मैंने पॉजिटिव जोड़ा, और जो ब्लैक वाला था उसमें नेगेटिव जोड़ा है। ब्लैक वाले में नेगेटिव और रेड वाले में बैटरी का पॉजिटिव। अब ये हमारे पास दो वायर ये वाले बचे हैं और दो वायर वो वाले बचे हैं, एक दो ब्लैक दो रेड। अब एक ब्लैक के अंदर हमें मोटर के दो ब्लैक को जोड़ना है और एक रेड में मोटर के दो रेड को जोड़ना है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में एक रेड के अंदर हमें मोटर के दोनों रेडों को जोड़ना है, दोनों पॉजिटिव को, और ब्लैक के अंदर दोनों नेगेटिव को जोड़ना है। ये हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हमें इन्हें इन पर टेप लगा लेनी है ताकि तार आपस में भिड़े ना, शॉर्ट ना हो, ताकि हमने इन पर टेप लगा लिए सब पे। तो हमारे पास यहाँ पर 6 वायर है जिनमें से 2 वायर है जो बैटरी की हैं, बाकी की 4 वायर है जो मोटरों की है, जिसमें से 2 वायरों से राइट साइड की मोटर चलेगी और जो 2 वायर है उनसे लेफ्ट साइड की मोटर चलेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इनको सोल्डरिंग कर लेना। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं इसमें क्लियरली नहीं बता पा रहा हूँ। ये हमने दोनों स्विचों को आपस में शॉर्ट कर लिया है, रेड वाले को रेड, बीच वाले जो दोनों टर्मिनल हैं दोनों टर्मिनलों का आपस में शॉर्ट कर लिया है। अब हमें ब्लैक वाले पे बैटरी का ब्लैक वाला यानी कि नेगेटिव और रेड वाले पे बैटरी का पॉजिटिव यानी कि रेड वाला वायर सोल्डर करना है। ये हमने सारे वायर निकाल लिए इसमें। अभी इसमें से हमें दोनों बैटरी के वायर अलग करना है। ये दोनों बैटरी के वायर हैं, ये ब्लैक वाला इसमें जोड़ दिया और ये रेड वाला इसमें जोड़ दिया ताकि दोनों स्विचों को करंट मिल सके। ये मोटर के दोनों वायर और ये मोटर के दोनों वायर सोल्डर करने इनको। देखिए फ्रेंड्स, सोल्डर कर लिया और हमारी मोटर आराम से अच्छी तरह काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। टेस्टिंग करके देखते हैं चलो इसकी। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छी तरह काम कर रही है हमारी कार। ये कॉलेज प्रोजेक्ट स्कूल प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें सबसे बेस्ट है। फ्रेंड्स एक बार फिर से, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ वीडियो को लाइक करें। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छी तरह काम कर रही है, 360 डिग्री में रोटेट कर रही है पूरा। ये इसको जैसे जैसे ऑपरेट करवा रहे वैसे वैसे ऑपरेट कर रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें।